स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, पहले बात तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए हो क्या रहा था कि आपको कोई भी एलिमेंट यदि बता दिया जाता था तो उसका नंबर, यदि आपको कोई एटॉमिक नंबर बता दे तो उसकी पोजिशन पता नहीं लग पा रही थी, तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा, पता किया फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर साइंटिस्टों ने निकाला, फिर अपने पता लगने लग गया। तो आज अपन इस लेक्चर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखेंगे। अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने को जरूरत किसकी पड़ेगी तो वो समझना।
अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को सबशेल पता करना है।